गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैं नॉर्मली शेर पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जब चोट थोड़ी सी दिल पे लगती है ना, तो मेरे ख्याल पोइट्री से अच्छा रास्ता कोई नहीं है उसको बयान करने का, तो ऐसी बस पोइट्री निकल जाती है। एनीवे, मजाक कर रहा था। आज इलेक्शन की डेट थी, इलेक्शन कंटेस्ट किया था हमारे भाई ने, वो मतलब एज अ प्रेजिडेंट कैंडिडेट, हारे या जीते वो बाद की बात है। इलेक्शन का मज़ा बड़ा आया हर साल की तरह, क्योंकि वो पिछले 2 साल से मुसलसल मतलब मुंतखब सदर रहे हैं सिटी प्रेस क्लब के। इस दफ़ा हो पाए या नहीं हो पाए वीडियो के एंड पे पता चल जाएगा आप लोगों को, देख लें वीडियो आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। गले को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, चौक हो गया। शाम का टाइम हो चुका है, बिल्कुल मगरिब की नमाज हो चुकी है, और मैं जा रहा हूँ एक इवेंट के अंदर। इवेंट क्या है, मेरे सिटी का जो है ना, सिटी प्रेस क्लब का आज इलेक्शन है, और मेरे जो बड़े भाई काशिफ भाई जो हैं वो प्रेसिडेंसी के कैंडिडेट हैं। तो इलेक्शन हो चुका है, काउंटिंग हो रही है अभी, और भाई साहब अब हम अभी जा रहे हैं, सपोर्टर्स जो हैं अभी जा रहे हैं। खैर, उनकी अपनी एसोसिएशन जो है, वो सिटी प्रेस क्लब के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके ही वोट है, हमारा तो खैर वोट नहीं है, लेकिन मॉरल सपोर्ट के लिए तो मुझे होना चाहिए था वहाँ पे। अभी कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी पहुँच सकूँ, मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। सुबह से थोड़ा काम में बिज़ी था, और उसके बाद मेरे सर में अजीब से ना दर्द हो रही थी, तो मैंने मेडिसिन ली असर की नमाज़ के बाद। तो टैबलेट का असर तभी होना था जब मैंने मतलब चाय शाय पी के आधा घंटा मैंने थोड़ा सा लेटना था, आराम करना था, तभी उसका असर हो रहा था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है सर का दर्द, तो अभी जल्दी से पहुंचना है भाई वहाँ पे। गाड़ी की हालत इतनी गंदी हुई पड़ी है भाई, कल हम शाम के टाइम फंस गए थे बाजार आए थे जब मोज़े वगैरह लेने के लिए, एक तो रोड के ऊपर कीचड़ इतना ज़्यादा था, और ऊपर से सारी सड़कें जो है ना वो मतलब उखड़ी हुई हैं, उनको मतलब रिपेयर कर रहे हैं, रेनोवेशन चल रही है हर रोड के ऊपर। तो भाई गाड़ी की हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है, मतलब चलाने में अजीब सी उलझन हो रही है मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिला चूँकि आज, कल सुबह देखेंगे इंशाल्लाह सर्विस करवाएंगे। और आजकल मौसम इस तरह का है भाई कि आप जितनी मर्जी सर्विस करवा लो गाड़ी, गाड़ी बाहर निकालोगे फिर ख़राब हो जाती है, क्योंकि बारिश होती रहती है, ऊपर से फॉग वगैरह पड़ती रहती है, तो मतलब हमेशा वेदर के अंदर नमी रहती है। भाई की कॉल चल रही है, कहाँ पर रह गए, आ जाओ। मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है भाई, हारना जीतना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो सपोर्ट होती है ना मॉरल, वो हमेशा ज़रूरी होती है। मैं थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं इतना लेट हो गया हूँ, मुझे टाइम पर होना चाहिए था वहाँ पर। लो भाई आ गए हम वेन्यू पे, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। हम भाई चूँकि लेट हैं तो पार्किंग हमारे लिए कोई नहीं अवेलेबल, कच्चे में पार्क करनी पड़ेगी यहाँ पे। चले खैर है, रोड से तो हट के पार्क हो गई ना, जब लेट आते हो जितना मिल जाए सब्र शुक्र करना चाहिए उसके ऊपर। मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है। टोपी कहाँ, टोपी हाँ, मैं आपके ऊपर ना फाइन रख दूंगा, अभी पब्लिक के ऊपर भी और आपके ऊपर भी, जब जब टोपी सर पे नहीं होगी ना फिर फाइन हुआ करेगा आप लोग, वो बाद की बात है कितना होगा, लेकिन फाइन रखूंगा मैं। अब आप लोग टोपी नहीं ओढ़ते, ये भाई हिफ्स कर रहे हैं, इनको मैं कहता हूँ टोपी हमेशा सर पे रखा करो, आप लोगों की पहचान है भाई टोपी, पता है। चले जी, गिनती वगैरह हो गई है, टाइम पे आ गया, लेकिन खाना रह गया। खाना रह गया यार, मेरे लिए थोड़ा सा रख लेते आप, मुझे पता नहीं था आप आएंगे। अच्छा, ये भी नहीं पता था मैं आऊंगा। चले खैर, खाना खाना भी नहीं था मैंने भाई। अस्सलाम वालेकुम, काउंटिंग वगैरह हो गई, उनकी एक्टिविटीज मतलब स्टार्ट होने वाली, अनाउंसमेंट की अभी, स्टेज वगैरह सजने लगा है बस। साउंडिंग साउंडिंग हो चुकी है, स्टेज सज चुका है, बस अभी अनाउंसमेंट होने वाली है कुछ देर के बाद। सबसे पहले फ्रांस सेक्रेटरी की सीट पे जो उम्मीदवार खड़े थे उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इधर हमारे पास स्टेज पे तशरीफ ले आए। साहब
सबसे ज्यादा क्रिटिकल यही वाली सीट पर तो सिटी प्रेस क्लब रायगढ़ का 2023 के लिए सदर सिटी प्रेस क्लब रायगढ़ इसका ऐलान करेंगे चौधरी दाऊद अहमद खान साहब। दोनों को माला पहना दे और दोनों का हाथ पकड़ ले खान साहब। दोनों भाई भी हैं और कलीग भी हैं साथ में देखें दोनों की कोई वैल्यू होती है आपके कलम की वैल्यू होती है आपकी जुबान की वैल्यू होती है आपकी जो स्पीच है लोगों की जो मदद करनी है उसकी वैल्यू होती है तो ऐसे वो इस बात का तो है नहीं कि आप लोग वोदा लें और सदर बन जाए कोई आपको कोई जवाब नहीं मिलना इस बात का जवाब आपको देना है लोगों ने जब आप इस माशरे की बुराइयों को सामने लाएंगे जो हमारे लिए मशहूर हैं तो फिर उन पर जब एक्शन होंगे वो आपकी असल सदार है आपने प्रोफेशनल साफी बनना है आप दोनों मेरे भाई भी हैं छोटे बच्चे भी हैं तो आज का इलेक्शन था ये जमहूरियत है हमेशा से ऐसे चलता रहा और इसकी हम रवायत को बरकरार रखेंगे तो अब मैं जनाब दोनों दोस्तों को पहले तो मुबारक देता हूँ जनाब और आज के जो सदर हैं वो जी जिंदगी का हिस्सा है लेकिन अब ये देखें ये खूबसूरत बुके देखें असल चीज़ें बुके की ये पूरी की पूरी टीम है सिटी प्रेस क्लब प्राइवेट की गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले कुछ चीज़ें होती हैं आपको ना किसी के कहने पे समझ नहीं आती जब तक आप उस प्रोसेस से गुजरो ना मतलब बहुत सारे लोगों से सुनते थे हम ये बात कि हारते हो तो आपको सबक सीखते हो आप हार में लर्निंग ज़्यादा होती है जीत में उतने लर्निंग कर रहा होता बंदा क्योंकि इन्जॉय कर रहा होता है ना उसको मतलब उन मोमेंट्स को और उस स्टेटस को इन्जॉय कर रहा होता है जब हारता है ना इंसान तब बहुत सारी चीज़ों के कैलकुलेशन करता है वो चीज़ें बड़ी अच्छी समझ आई भाई बहुत सारे चेहरे बड़े अच्छे समझ आए बहुत सारे लोगों के रवैये बड़े अच्छे समझ आए और बहुत सारी प्लानिंग की चीज़ें उस प्रोसेस में जो चीज़ें चल रही थी वो बड़ी अच्छे से समझ आई तो हार ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है भाई
खैर आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।